भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप में खेला गया मैच तो भारतीय टीम के पक्ष में रहा मोहम्मद शमी, मैच के असली हीरो रहे जिन्होंने 5 विकेट लेकर श्रीलंका की टीम को बुरी तरह से धूल चटा दी। लेकिन इस बीच एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जब मोहम्मद शमी सजदा करने वाले थे, जिस तरह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी बीच मैदान पर किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बात करते हैं, लेकिन शमी अचानक से रुक गए। लेकिन यह व्यवहार देखने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शमी के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी शमी की गेंदबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए थे। विराट कोहली, शुभमन गिल और अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम के ऊपर भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे। पहली सफलता बुमराह ने दिलाई, लेकिन उसके बाद सिराज ने 3 विकेट जल्द ही ले लिए। लेकिन उसके बाद ही जब शमी गेंदबाजी पर आए तो उन्होंने कमर तोड़ कर रख दी श्रीलंका की टीम की और 5 विकेट लेकर सिर्फ 55 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और 302 रन से मुकाबले में जीत हासिल करी। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद वह सजदा करने वाले थे, लेकिन अचानक फिर वह रुक गई और उसको देखने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मुसलमान होने के नाते अगर शमी सजदा कर लेते तो शायद कुछ गलत नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है भारत में रहने के बाद शमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत की धरती पर बीच मैदान में खरीद कर पाए। इतनी हिम्मत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों में है जो किसी भी धरती पर सजदा कर लेते हैं। शमी ने गलत किया, वहीं शाहिद अफरीदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, जो हिम्मत और ताकत पाकिस्तान के खिलाड़ियों में है वह किसी भी देश के खिलाड़ियों में हो ही नहीं सकती। शमी सजदा तो करना चाहते थे, उन्होंने हिम्मत तो करी लेकिन अपनी हिम्मत को पूरी तरह से बना नहीं सके और शायद उन्होंने भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए सजदा ना करने का फैसला किया है। मुझे लगता है शमी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, अभी उस तरह का कलेजा शमी का नहीं है जिस तरह का हमारे खिलाड़ियों का है। वही आपको बता दें कि इंजमाम उल हक ने भी कहा कि अगर शमी सजदा कर लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, 5 विकेट लेकर रब का शुक्रिया अदा तो करना बनता है, लेकिन मुझे लगता है वह भारत की राजनीति से डर गए और उन्होंने सजदा नहीं किया। शमी को अभी और हिम्मत लानी होगी, हमारे खिलाड़ियों से सीख लेनी होगी, इस तरह से उन्होंने बात कही। लेकिन आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।